आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज 15 अप्रैल है और महज कुछ घंटे बाद उन 15 खिलाड़ियों का नाम सामने आ जाएगा जिन्हें वर्ल्ड कप 2019 के लिए मौका मिलेगा, जो इंग्लैंड रवाना होंगे। जैसा कि हम आपको कई बार बता चुके हैं, कई नाम ऐसे हैं जो लगभग तय हैं, जिन पर मोहर लग चुकी है इस बार कि वो वर्ल्ड कप जरूर खेलेंगे। लेकिन इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं उन 4 खिलाड़ियों के बारे में जिनका सपना महज कुछ घंटों बाद टूट जाएगा, क्योंकि इन 15 खिलाड़ियों की लिस्ट में इन 4 को जगह नहीं मिलने वाली है। पहला नाम है सिक्सर किंग युवराज सिंह का, जिन्हें उनके प्रशंसक नंबर 4 पर देखना चाहते हैं, लेकिन ये चाहत अब पूरी नहीं होगी क्योंकि युवराज को मौका नहीं मिलने वाला, ये बात पूरी तरह से तय है। दूसरा नाम आता है उमेश यादव का, जिन्होंने भारत के लिए 75 वनडे मैचों में 106 विकेट लिए हैं। लगभग 6 महीने पहले भारत के लिए अपना आखिरी वनडे इंटरनेशनल मुकाबला उन्होंने खेला। फिलहाल वो आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम में शामिल हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं है। तीसरा नाम है रविचंद्रन अश्विन का। एक वक्त था जब भारतीय स्पिन गेंदबाजी के अहम हिस्सा थे अश्विन, लेकिन अब युवा गेंदबाज यहां पर टीम इंडिया में मौजूद हैं और इसीलिए आखिरी बार अश्विन ने 30 जून 2017 को भारत के लिए वनडे मुकाबला खेला। चौथा नाम है श्रेयस अय्यर का। भारत के लिए 6 मुकाबलों में 2 अर्धशतक की बदौलत 210 रन बनाए हैं इन्होंने, लेकिन उन्हें आखिरी बार नीली जर्सी में खेलने का मौका 16 फरवरी 2018 को मिला। ये शानदार बल्लेबाज हैं, टॉप ऑर्डर से लेकर मिडल ऑर्डर तक कहीं भी खेलने की क्षमता रखते हैं, लेकिन परेशानी यहां पर यह है कि भारतीय टीम में ओपनिंग जोड़ी लगभग नंबर 3 की पोजीशन पहले से ही तय है। मिडल ऑर्डर में एमएस धोनी के साथ केदार जाधव को मौका दिया जा सकता है, इस तरह की खबरें पूरी तरह से कंफर्म है। तो अगर अय्यर नंबर 4 पर अपना दावा ठोकते भी हैं, तो भी केएल राहुल यहां पर पूरी फॉर्म में हैं, तो जाहिर सी बात है अय्यर से ज्यादा इंपॉर्टेंस उन्हें दी जाएगी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से मेघा की रिपोर्ट।